मध्य प्रदेश की सियासत में चुनावी साल शुरू होते ही सवालों का एपिसोड शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से दो सवाल पूछे। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे, आपका क्या बिगड़ता था। मुख्यमंत्री ने दूसरा सवाल भी किसानों के मुद्दे पर पूछते हुए कमलनाथ को झूठा कह दिया। आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। कमलनाथ जी, भुगतान करना तो दूर, मुझे वो दिन याद है जब किसान मुझे ले जाते थे मंडियों में कि ये हमारी धान रखी हुई इतने दिनों से उठाई नहीं रहे, उग गई, कई बार पानी गिर गया तो बोरियों में उग जाती थी। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। जैसा कि बीते कई दिनों से होता आ रहा है, शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। यहाँ शिवराज ने सवाल पूछा और करीब 15 मिनट बाद ही कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए इसका जवाब दे दिया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि शिवराज जी आज दो सवाल पूछने से पहले ये तो बता देते कि कल सवाल कम पड़ गए थे, ये हिम्मत जवाब दे गई थी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।